आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, हिमाचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों से। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल के दाम में 50 पैसे और पेट्रोल के दाम में 1.69 रुपए प्रति लीटर रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ा हुआ दाम आज रात से लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इराक संकट को देखते हुए पेट्रोल के दामों में इजाफे की आशंका जताई जा रही थी और इसके चलते ही इसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज तेल कंपनियों ने इसका ऐलान भी कर दिया। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभालने के कुछ दिन में ही डीजल के दाम में 50 पैसे का इजाफा हुआ था। इसके साथ ही प्याज के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही ट्रेन भाड़े के में भी करीबन 14.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। इन तमाम कदमों ने नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के स्लोगन की विपक्ष सहित आम जनता भी आलोचना कर रही है। बीस सालों से गाड़ी चला रहा हूं। रेट हमने शायद मोदी सरकार का जब आई थी तो हमने सोचा शायद अब पेट्रोल या डीजल नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये लगातार बढ़ रहे हैं। अब इससे सरकार से भी विश्वास उठना कुछ लोगों का शुरू हो गया हुआ। पिछली गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की, कांग्रेस गवर्नमेंट में हर दो महीने बाद ये दाम बढ़ते थे, तो मोदी सरकार के आने के बाद हमको उम्मीद थी कि दाम घटेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बट पहली बार ये प्राइस हाइक हुए है 1.69 रुपए। तो सभी आम जनता पे इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो जैसी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तक आए नहीं है। सरकार ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, तो डे बाई डे बढ़ रही है। कि सर ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है सर, तेल के रेट। इससे आम जनता सर, आम लोग जो गाड़ियाँ चलाना शिमला शहर में, जो जैसे हम लोग डेली गाड़ियाँ मारते जाते, तो ये बड़ा मुश्किल का काम है सर। अब सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, अभी लगता नहीं कि वायदे जो पूरे हो रहे इस तरह से, तो आम जनता का, आम लोगों का जीना थोड़ा टफ हो जाएगा सर। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल के लोगों का साफ कहना है कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन का स्लोगन देकर जनता से वोट जरूर हासिल किए, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। बात करते हैं हमारे संवाददाता, तो क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, हिमाचल की जनता का क्या कुछ कहना है? मोहित, देखिए हिमाचल की जनता जो है सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है गौरव, क्योंकि सबसे पहली बात जो है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर पहले ही जो सामान है वो बाकी राज्यों से, जो मैदानी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वहां से महंगा मिलता है। जो ट्रांसपोर्ट है, सबसे महंगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ऐसे में गौरव आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका खासा असर जो यहाँ पर मिलने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, साथ साथ जो सीमेंट है या इस तरह की चीजें जो घर बनाने के लिए काम आती हैं, वो कहीं ना कहीं अब उसके दाम भी जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो महंगा पड़ेगा। और उसका दूसरा पहलू भी अगर देख लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाके जो है वो पर्यटक स्थल है, और ऐसे में यहाँ पर जब पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, तो या तो टैक्सी करते हैं या फिर जो बस करते हैं, ऐसे में जो इनके किराए जो हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि जब जब डीजल के दाम बढ़े हैं या पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो टैक्सी ऑपरेटर्स ने और निजी बस ऑपरेटर्स ने जो है अपने दाम जो है वो बढ़ाए हैं, और इसका सीधा असर जो है वो स्थानीय लोगों पर भी पड़ेगा। पहाड़ी इलाका है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं,
कि किस तरह से यहाँ पर अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज्यादातर लोग जो है अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में पहले से ही जो महंगाई का दौर चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं बोझ जो है और पड़ता नजर आ रहा है। गौरव जी, मोहित ये तो रही कि जिस तरह से पर्यटक भी निराश होंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी हो गई है, आपका कहना है कि साफ कहना है कि टैक्सी के दामों में बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों में भी उदासी। वहीं दूसरी बात करें पेट्रोल के जहां पे पंप है वहां पे किस तरह की भीड़ देखी जा रही, क्योंकि आधी रात से रेट लागू होने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप की क्या स्थिति बनी हुई है, लोग जुट रहे हैं पेट्रोल पंप पे? पर गौरव जो पेट्रोल पंप है 5 से 6 पेट्रोल पंप है शहर में, और ऐसे में जो गाड़ियों की तादाद है वो काफी ज्यादा है, तो जो पेट्रोल पंप है वहां पर गाड़ियों की खासी भीड़ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दाम बढ़ने से पहले ही वो अपनी गाड़ियों के टैंक कम से कम फुल जो है वो करवा लें, और ऐसे में पेट्रोल पंप जो ऑपरेटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्हें जो है वो जो पहले की जो पेट्रोल है उसमें उन्हें मुनाफा मिले। तो ये भी खबर है गौरव साहब में कि जो पेट्रोल जो ऑपरेटर्स हैं पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स हैं वो उन्होंने भी कई ऑपरेटर्स हैं जो अपना पेट्रोल पंप बंद कर दिया, यानी पेट्रोल जो है वो नहीं होने की बात जो है वो की जा रही है। ऐसे में कई कुछ पेट्रोल पंप जो है शिमला के उनमें खासी भीड़ वाहनों की जो है वो जुट चुकी है, और अब आधी रात से ये दाम बढ़ने हैं, लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो पेट्रोल अपने वाहनों में भरवा लिया जाए। गौरव चलिए मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पेट्रोल पंप की जो हालत है वो ठसाठस भरी है, लेकिन इस मौके पर जो पेट्रोल पंप है वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार जो भी जाता है पेट्रोल पंप पे तो उससे ये कह दिया जाता है कि इस वक्त पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मालिक भी आनाकानी करते हैं इस वक्त पेट्रोल देने में। लेकिन शिमला में, हिमाचल में और पूरे देश भर में इस वक्त पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को पंडुआ डैम से एक और छात्र का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान एम विष्णुवर्धन रेड्डी के रूप में की गई है। ये उन्हीं छात्रों में से एक है जो बीती 8 जून की शाम को थलौट के पास व्यास नदी में बह गए थे। बताया जा रहा है कि यह शव पंडुआ डैम से कुछ ही दूरी पर बरामद हुआ है। शव को पानी पर तैरता देखने के बाद इसे बाहर निकाला गया और उसके बाद इसकी शिनाख्त की गई। शव का जोनल हॉस्पिटल मंडी में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे बाई रोड दिल्ली भेज दिया गया है। दिल्ली से शव को बाई एयर हैदराबाद भेजा जाएगा। अभी तक झील से 20 शव बरामद किए जा चुके हैं और अब भी 5 शव ढूंढे जाना, निकाले जाना बाकी हैं, जिनमें से 4 छात्राओं के शव हैं और 5वां जो शव है वो टूर ऑपरेटर का है। आज हम विष्णुवर्धन रेड्डी का बॉडी रिकवर हुआ, ये 20th बॉडी है और 5 रिकवरी बाकी है। पोस्टमार्टम करने के बाद इधर से हम बाई रोड दिल्ली को लेके जाएंगे, उधर से एयर इंडिया फ्लाइट से हैदराबाद को लेके जाएंगे। उधर हमारा कॉलेज के आदमी एम्बुलेंस के साथ है, वो उनको घर तक लेके जाएंगे। मंडी के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले नेहरा गांव का लक्ष्मण इन दिनों इराक से वापस आने, अपने वतन आने की सोच रहा है, लेकिन लक्ष्मण जिस कंपनी में वह काम करता है वह कंपनी उसे वहां से आने नहीं दे रही है। वहीं लक्ष्मण के परिजन भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और सरकार से लक्ष्मण को घर वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। गोहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत जेल चौक के नेहरा गांव का लक्ष्मण जेसीबी ऑपरेटर है। 5 महीने पहले लक्ष्मण ज्यादा पैसे कमाने के लिए इराक गया। लक्ष्मण इराक में पढ़ने वाले एयरविल में हेलीपैड कंपनी में बतौर जेसीबी ऑपरेटर कार्यरत है। जब इराक में कत्लेआम शुरू हुआ तो उस वक्त
लक्ष्मण ने अपने घर वालों को अपनी सलामती की खबर भेजी थी और बताया था कि जिस स्थान पर वो इस समय है युद्ध वहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। लक्ष्मण का कुछ दिनों बाद फिर फोन आया और लक्ष्मण ने अपने घर वालों को बताया कि इराक में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। लक्ष्मण ने बताया कि वो इस समय जिस स्थान पर है युद्ध वहां से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्ष्मण ने घर वालों को बताया कि उसने कंपनी को वापस अपने वतन लौटने को कह दिया है, लेकिन कंपनी ने इस पर 30 जून तक फैसला लेने को कहा है। उन्होंने बताया कि हम अभी सेफ है वहाँ पे, पर हमने ऐसा भी जब 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा वापसी का वीजा बन जाएगा उसके बाद हम टिकट बुक करवाने का पता करेंगे, या अगर महंगा होगा तो हम आपको टिकट बुक करने के लिए बताएंगे, फिर आप यहाँ से टिकट बुक करना, फिर हम घर आना चाहते हैं। तो हम भारत सरकार से विनम्र निवेदन है हमारा कि वो जल्द से जल्द जो है हमारे हस्बैंड को बाहर निकाले वहाँ से और सही सलामत जो है घर में पहुँचाए। अपने दो बच्चों को अच्छी परवरिश देने के सपने को साकार करने की हसरतों को लेकर लक्ष्मण इराक गया था, लेकिन मौजूदा हालात ने परिवार को इतना चिंतित कर दिया है कि उनके समझ में ये भी नहीं आ रहा कि फरियाद लगाए भी तो कहाँ। हमारे घर की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि हमारे घर बार कुछ नहीं बनाया हुआ। हमने मेरे पति ने ये सोच के गए यहाँ से कि मैंने आके जो है घर बनाना है और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, इसलिए वो घर से बाहर गए। इधर उधर से हमारे पास हालांकि जाने के लिए पैसे नहीं थे और इधर उधर से हमने पैसे इकट्ठा किए और 1.5 लाख दिया वहाँ पे आगे, और फिर सोचा कि हम वहाँ से कमा के लाएंगे। अभी उनको 5 महीने भी गए हुए नहीं हुए थे, तब तक वहाँ पे हमला शुरू हो गया। अब हम उनके पास ना तो उनके पास है पैसा, जो आया था वो हमने लोगों का दे दिया और कुछ अभी बच गया है। और अभी हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने खर्चे पे उन्हें अपने बलबूते पे उन्हें घर पहुँचाए। एक बेटे के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द है तो वो है माँ। बेटे की याद में लक्ष्मण की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेटा बाहर गया है और उसमें बहुत लड़ाई लगी है इराक में, और ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है। लक्ष्मण के भाई सूरज सिंह इराक में पैदा हुए तनाव से अपने भाई के लिए बेहद फिक्रमंद हो उठे हैं। बीच में उनके टेलीफोन में नहीं आए, पूरे परिवार और जितने भी सगे संबंधी हैं वो इस उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं, और हम सरकार से भी ये गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा भाई जो है घर सुरक्षित पहुंचे। इराक इन दिनों हिंसा का सामना कर रहा है और अलकायदा समर्थित सुन्नी आतंकवादियों ने प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है और अब वो बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। 10 जून को शुरू हुई लड़ाई के कारण हजारों इराकी नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है और अभी भी इराक में वहां पर काफी ज्यादा संख्या में भारतीयों के फंसे होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि भारत सरकार भी इस बात को लेकर गंभीरता दिखा रही है, लेकिन परिजनों को इंतजार करना भारी पड़ता जा रहा है। मंडी से अंकुश सूद के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। कुल्लू से मनाली लैफर्ट बैंक सड़क के लिए 120 करोड़ रुपए की DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बात मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अपने कुल्लू दौरे के दौरान रामस्वरूप इन दिनों मोदी सरकार के कामों को गिनाने में लगे हैं। जनता से 100 दिनों की समय सीमा में विकास कार्यों का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यों की लिस्ट तैयार कर दी है और अपनी इस लिस्ट पर जल्द ही काम करने के संकेत भी दे दिए हैं। कुल्लू में सांसद रामस्वरूप ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि मोदी सरकार द्वारा सभी सांसदों को 100 दिनों का प्लान बनाने के निर्देश मिले थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के कामों में गति मिल सके और ये काम समय पर पूरा हो सके, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता रहेगी कि विकास कार्यों में कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, और खासकर जैसे सांसदों को जो माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है कि हम 100 दिनों का एक प्लान बनाकर लाएं,
कि 100 दिनों में हम कौन सा काम करना चाहते हैं। तो जब कुल्लू जिला का विषय आया तो कुल्लू में मैं धन्यवाद करने कुल्लू जिला में पहुंचा था। जो नेशनल हाईवे के काम जो चले हैं, इस कामों को गति मिले और ये समय पर पूरे हों, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, सड़कें ठीक नहीं होती तो काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। नेशनल हाईवे के कामों को रामस्वरूप ने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। इसके लिए केंद्र से 500 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। नेशनल हाईवे के काम बड़ी तीव्र गति से पूर्ण होंगे, क्योंकि आते ही हमारे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी ने सारी बैठकें कर ली हैं, इस दिए हैं। जहाँ तक रोडों की स्थिति, जो रिपेयर के वर्क होते थे नेशनल हाईवे के, वो पैसा समय पर नहीं मिल पाता था, वो भी 250 करोड़ मिलता था। इस बार 500 करोड़ की राशि तुरंत जारी की गई है, ताकि ये जो नेशनल हाईवे की जो पैच वर्क है, कई रिपेयर वर्क है, वो समय पर पूरा किया जा सके। चुनाव जीतने के बाद रामस्वरूप शर्मा इन दिनों कुल्लू के दौरे पर हैं और जनता को मोदी सरकार के कामों के बारे में बता रहे हैं। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। सिरमौर जिला के भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि सरकार द्वारा भाजपा समर्थित चुनिंदा प्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके बेवजह परेशान किया जा रहा है। अपनी समस्याओं के मद्देनजर भाजपा के तीनों विधायक जिला अध्यक्ष सुखराम चौधरी की अगुवाई में जिला उपायुक्त से मिले। इस मौके पर विशेष रूप से भाजपा के बिंदल शिलाई विधायक बलदेव तोमर, पछाद विधायक सुरेश कश्यप, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव भंडारी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो भाजपा नेताओं ने विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर उपायुक्त को खूब खरी खोटी सुनाई। भाजपा विधायकों ने साफ किया कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की ओर से इस तरह उन्हें अनदेखा किया गया तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उग्र तरीके से आंदोलन करेगी। वहीं शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सोमवार को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आगाज हो गया। इस मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। इस बेहद अनोखे पुस्तक मेले में सभी उम्र और वर्गों की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी मनपसंद पुस्तकों को खरीदने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये जगह है। बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार का संस्थान है। उसका मकसद ये है कि जो किताबें हैं सारे देश भर में जो लेखक हैं उनकी किताबें जो हैं उनको छापा जाए और उनको जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाए सस्ते दामों पर। ये इस ट्रस्ट का मतलब है। और ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के अंदर, और इनको मैं समझता हूँ इनके कार्यविधि को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। शिमला के गेटी थिएटर में शुरू हुए इस अनोखे पुस्तक मेले के विशाल समुद्र में सभी पुस्तक प्रेमियों के लिए डुबकी लगाने का ये सुनहरा मौका है, खासतौर पर उनके लिए जो दुर्लभ किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे नाइट न्यूज शिमला। तो अगर आप भी पुस्तकों के शौकीन हैं तो इस मेले में जरूर आइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।